हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11। और बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, और 11 चैप्टर है। इसमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करें। चैप्टर का नाम है आपको क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स और इक्विबेरियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ किन किन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट्स के बारे में पता करना है, एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। साथ साथ डिफरेंट इक्विबेरियम्स हैं इनके बारे में, जो हमने पिछले चैप्टर 10 में भी डिस्कस किया था। कुछ कुछ कंपोनेंट उसके भी होने वाले, तो ध्यान से हम समझेंगे कौन कौन से माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को और जनरेट करने के लिए सहायक होते हैं। उनके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी हमने प्राप्त करने वाले हैं। पहला आता है इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से हम कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। द क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, जो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक है, जो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करती है वो आपको पता होना चाहिए। पहला आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इक्विबेरियम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द इक्विबेरियम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है इकॉनमी के अंदर, और कैसे एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द इकॉनमी आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फ्यूचर के लिए अग्रसर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हमें पता लगता है कि क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेजर फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एम्पावरमेंट के ऊपर होता है। दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, इसके कुछ थ्योरीज के आधार पर देखा जाए तो दिस इज नेचुरल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल। यहाँ पे आपका जो मेन फोकस होता है वो लेवल ऑफ एन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन बाय द इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि क्या आपकी डिमांड होगी और क्या आपकी सप्लाई होगी, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। विद हेल्प ऑफ द क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमी वी कैन अंडरस्टैंड दैट। और साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी हमें यहाँ पर समझना होगा। दूसरी चीज़ बात बताना चाहूँगा आपको, द इकॉनमी इज इन बिलीव टू द सेल्फ एडजस्ट विद इन वेजेज एंड प्राइजेस फ्लेक्सिबल इनफ टू इंश्योर दैट डेविएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल आर टेम्परेरी। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेजरली क्या कहना चाहते हैं, द इकॉनमी इज इन बिलीव्ड, इकॉनमी वो किस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है, सेल्फ एडजस्ट यानी कि खुद को सेल्फ एडजस्ट करती है, इवन दो विद वेजेस एंड प्राइस फ्लेक्सिबल इन इनफ टू इंश्योर दैट एनी डेरिवेशंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द टेम्परेरी इन लॉन्ग रन द इकॉनमी विल ऑलवेज रिटर्न टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट दिस इज इम्प्लाइज दैट। यानी कि विद द हेल्प ऑफ द इकॉनमी किस तरीके से ज़्यादा आउटपुट को गेन किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ द इकॉनमिक ऑफ क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से एक सर्टेन लेवल पे आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं ताकि क्या हो सके, बाद में उसका फायदा उठाया जा सके, प्रॉफिट को गेन किया जा सके, सोसाइटी को बैक किया जा सके। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करें। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल और द मॉनिटरी पॉलिसीज। और आपको पता है फिजिकल और मॉनिटरिकल पॉलिसीज बनती रहती हैं, यानी केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इनका काम क्या होता है, एक तरीके से अपनी जो उनके पास कोर्स होता है, जो एक तरीके से इनके पास रिजर्व्स होते हैं, उसके सहायता पर ये क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं किस तरीके से हम बेहतर भविष्य के लिए अग्रसर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिजर्व से लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल एंड जो आपकी मॉनिटरी पॉलिसीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी जो आपका स्टेट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम किस तरीके से किया जाए। आपका हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पर फोकस करते हो। अननेसेसरी ऐसा मार्केट मैकेनिज्म विल ऑटोमेटिकली रिस्टोर एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मार्केट का मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है क्लासिकल रेवोल्यूशन। क्लासिकल रेवोल्यूशन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्लासिकल रेवोल्यूशन वॉज अ शिफ्ट इन दैन इकॉनमिक थ्रू द ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी, इंफेसिस फ्री मार्केट, सेल्फ इंटरेस्ट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट एंड इंटरवेंशन लेड बाय द इकॉनमिक लाइक एन सदाम एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। इट शेप मॉडर्न कैपिटल इकॉनमी, इन्फ्लुएंस द इकॉनमिक थिंकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ लोगों के नाम बताए गए, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। तो ये लोग कौन है, एक तरीके से इन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न इकॉनमी के बारे में बात करें, कैपिटलिज्म के बारे में बात करें, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाने की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, किस तरीके से इकॉनमी को खोला जा सकता है, मतलब हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस, किस तरीके से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को एक तरीके से आप बोल सकते हो कैसे जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं, कैसे बिजनेस को लोगों तक जोड़ा जा सकता है, स्टार्टअप को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि एडम स्मिथ एंड डेविड सिकार्डो ने बात करी है।
हमें पता होना चाहिए। तो मॉडर्न इकोनॉमी जो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, आप बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से रिजॉल्व करने की काम कर रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि किस तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। दूसरे की अगर हम बात यहाँ पर कर लें तो क्लासिकल व्यूज़ की हम बात करेंगे, क्लासिकल व्यूज़ किस तरीके काम करते हैं, कौन कौन से जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें फॉलो यहाँ पर करने चाहिए ताकि क्लासिकल व्यू को समझा जा सके द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है लोगों के सामने। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि किसी भी तरीके से जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पीपल हैं उनके पास फ़ायदे पहुँचने चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर एक सेक्शन के अलग अलग लोग रहते हैं, सबकी इनकम अलग अलग है, सबकी इनकम अलग अलग होती है। वी हैव टू बी प्रोवाइड कि सभी लोगों के पास रिसोर्सेज का एलोकेशन सही मात्रा में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है इस मीन्स आप एडमिनिस्ट्रेशन सही से, अगर बात करूँ मैं गवर्नमेंट की, बात करूँ मैं आरबीआई की, अगर मैं बात करूँ बैंक्स की, इनका काम क्या होता है या किस तरीके से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है विद इन अ सोसाइटी। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे और एक तरीके से इकोनॉमिक साइकिल रन करता है। तो सारी की सारी चीज़ों को मेंटेन करना इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द आरबीआई, ऑफ द बैंक, यानी कि जितने भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी ये एक दायित्व तो बनता है वो किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को हेल्प किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डिनोट किया है। तो वेल्थ ऑफ नेशन को किस तरीके से समझा जा सकता है, तो वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब होता था द इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी जो हैं आपके, उनके पास कितनी फ्रीडम है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके पास उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनकी पर कैपिटा इनकम की, और नेशनल इनकम को और कैसे प्रमोट किया जा सकता है, अपने एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ पर समझनी होती हैं, नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिलेंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि दे आर बिलीव दैट द मनी प्राइमरली सर्व एज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी एक तरीके से एक्सचेंज होता है, यानी कि आपके पास अगर पैसा है तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, बिकॉज यू हैव एन पावर टू बी एक्सचेंज, क्योंकि आपके पास क्या है, कैश है, आपके पास रिजर्व है, यू कैन स्पेंड इट। तो आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, एक तरीके से उनको खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फॉर द लेजर फ्यू प्रिंसिपल हाईलाइटिंग द ऑप्टिमिज्म टेंडेंसी ऑफ द फ्री मार्केट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि फ्री मार्केट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना इंटरवेंशन होता है उतने ही प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं या फिर जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं वो कम फ्लरिश कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कम से कम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन यानी कि ज़्यादा गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होता है तो व्यापार सही से फलफूल नहीं पाते, तो ये थोड़ा नुकसान होता है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना, केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो इतना मैंने बताया, आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा समझना है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं। नेक्स्ट आता है आपके मनी हैज़ नो इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि मैंने मान लो मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मेरे पास एक कंपनी है जो कि मैंने 2000 में स्टार्ट करी थी, 2000 में स्टार्ट करी थी, यानी कि आज से 23 साल पहले मैंने उसको स्टार्ट किया। तो यानी कि अब जो 1 करोड़ में मैंने अपनी कंपनी बनाई थी, आज वो मुझे 1 करोड़ पर एनम का टर्नओवर देती है, 1 करोड़ पर एनम का टर्नओवर देती है। तो क्या मैं उसे 1 करोड़ में बेचूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे 100 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, उसको हम इंट्रेंसिक वैल्यू कह सकते हैं। बट यहाँ पे बोला गया मनी हैज़ नो इंट्रेंसिक वैल्यू, यहाँ पे पर्टिकुलर करेंसी की बात कर, क्योंकि आप देखो इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि मनी जैसे कि अगर 1000 रुपये का नोट है तो आने वाले टाइम में 1000 रुपये की वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं, तो इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती मनी को, फेट मनी कहते हैं उसको, ठीक है, फेट मनी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमें समझने वाली होती है जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो मनी वॉज हेल्ड ओनली फॉर द शेक ऑफ दिन गुड्स दैट इज गुड परचेज, इट वॉज ट्रीटेड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एन एक्सचेंज, इसको एक्सचेंज ऑफ मीडियम के रूप में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मनी को एक्सचेंज के रूप में ही क्यों देखा जाता है। आपके अगर आपके पास 2 लाख रुपये हैं तो आप कोई भी बाइक खरीद सकते हैं जो 2 लाख के अंडर आती है, क्योंकि आपके पास पैसा है, कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्लासिकल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑन द सेल्फ, यानी कि सेल्फ का मतलब होता है यू हैव टू बी एम्पावर योर सेल्फ, आपको खुद को एम्पावर करना होगा। एम्पावर में खुद से कहने का मतलब है कोई भी फॉर्म हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो खुद को एम्पावर कर रहे हैं, मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि आने वाले टाइम में यू हैव टू बी क्रिएट सम बेनिफिट फॉर योर सेल्फ, यानी खुद के लिए कुछ बेहतर आप कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, एडजस्टिंग टेंडेंसीज ऑफ द इकॉनमी इन अदर वर्ड्स,
दे बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ द फ्री मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि खुद की खुद का इतने इफेक्टिव वे में काम करना ताकि फ्री जो मार्केट इकोनॉमी है उसके अंदर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सको। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है एवरी वन हैज़ एन पावर टू बी पार्टिसिपेट, सारे के सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं जो हमें समझनी होंगी कि किस तरीके से जो क्लासिकल थ्योरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। तो थोड़ी हेल्प करूँगा मैं आपके यहाँ पे बताने की क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहला आता है आपके सामने क्लासिकल थ्योरी इम्फेसिस, किस चीज़ किस चीज़? मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ये इम्फेसिस करती है, बहुत ज़्यादा ये रिलाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला मैं आपको बता रहा हूँ रियल फैक्टर ओवर मॉनिटरी फैक्टर्स इन द डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक आउटकम्स, यानी कि जो मॉनिटरी फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर भी इनकी रियलाइजेशन हमें देखने को, क्या होते हैं मॉनिटरी फैक्टर्स ये हमें देखने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि एक फर्म है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे मॉनिटरी फैक्टर्स होंगे, यानी कुछ ऐसे की एलिमेंट्स होंगे जिनको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी भी एक फर्म को आपने इस्टेब्लिश किया है तो इट्स मस्ट ना कुछ तो ऐसे की पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से आपकी कंपनी को आपकी फर्म को सक्सेस मिला है। तो सारे के सारे फैक्टर्स को समझना और एक तरीके से आज की मार्केट के हिसाब से पॉलिसी फ्रेमिंग करना ताकि आप अपनी फर्म को, आप अपनी कंपनी को, आप अपने इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें रिलेट करती हैं एक इकोनॉमिकल सोसाइटी से, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है कि जब कोई कंट्री आगे बढ़ रही होती है, जब भी कोई कंट्री आगे बढ़ रही होती है तो वहाँ पे मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ होती हैं चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे प्राइवेट लेवल पे हो काफ़ी अच्छे से काम कर रही होती हैं। तो ये थोड़े ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो हमें समझनी है एज ए स्टूडेंट ऑफ द इकोनॉमिक। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है इट्स हाईलाइटेड द रोल, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको और समझना है, तो रोल्स आपको समझने हैं कि फ्री मार्केट एंड इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट इन द प्रमोटिंग द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कि जो फ्री मार्केट होता है, फ्री मार्केट का मतलब होता है द पर्सन हु हैज एन एबिलिटी टू परफॉर्म, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एक तरीके से मार्केट के अंदर आके अपना वर्चस्व कायम कर सकता है, अपने आप को बेहतर बना सकता है अपने विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि उसके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक है बहुत ज़्यादा अच्छा है उसकी सहायता से वो अपनी मार्केट में आकर वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो कैसे प्रमोट करना है, तो यानी प्रमोट क्या करना है आपको, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को यहाँ पर प्रमोट करना है, किस चीज़ को प्रमोट करना है, वी हैव टू प्रमोट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है इट इन्फ्लुएंस द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड शेप इकोनॉमिक थिंकिंग एंड द पॉलिसी मेकिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझते हैं, हमें पता है कि कैपिटलिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैपिटलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है और गवर्नमेंट एक तरीके से सपोर्टिव होती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म इंप्रूव होता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस इंक्रीज होते चले जाते हैं और गवर्नमेंट का काम क्या होता है टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट देयर पीपल। तो कैपिटलिज्म एक तरीके से बहुत अच्छा सोर्स है, ये बहुत अच्छा सोर्स है जिसकी सहायता से आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो। तो कैपिटलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट यहाँ पर कर सकते हो। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो। वी हैव टू बी अंडरस्टैंड नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो हमें फोकस करना है, वो ये है कि इट्स प्रोवाइड द इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि कुछ ना कुछ इनसाइट एंड रिलेशनशिप को हमें समझना है, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप किस चीज़ के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए सप्लाई और डिमांड के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी यूनिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है और सप्लाई में अगर थोड़ी सी कमी आ जाए तो इन्फ्लेशन और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ, सप्लाई एंड डिमांड कंपेरेटिवली एडवांटेज एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकॉनमी, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है किस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन किया जाए, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी और एक तरीके से पब्लिक जो है किसके ऊपर उंगलियाँ उठाएगी, सरकार के ऊपर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। तो पहला जो आपका मेन इंडिविजुअल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका काम है वो ये है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपका वोट बैंक कम हो जाएगा। तो एज एन गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। उससे वाले पहले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो चैप्टर नंबर 10 में हमने समझा था। तो चैप्टर नंबर जो 11 है वो जनरली मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड तो नहीं है, बट कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरीज क्या होती हैं, किस तरीके से हेल्पफुल होती हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मॉनिटरी पॉलिसीज,
अब क्या है, कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए जो कि हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो मैंने लिखा है वो तो आपको पढ़ना ही है, पर पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एक तरीके से आपके लॉस ट्रांसपेरेंट होते हैं तो बाहर की कंपनीज आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती चली जाएगी, जैसे जैसे FDI आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, आप बेहतर परफॉर्म करते चले जाएंगे, और एक तरीके से बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और जैसे जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो आप बोल सकते हो कि FDI इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे एक तरीके से इन्वायरमेंट इंक्रीज होता चला जा रहा है बिजनेस का, तो बहुत अच्छी छवि आपकी बनती चली जाती है, और आपकी बिजनेस के मामले में आपकी रैंक भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाती है। और जैसे जैसे आपकी रैंक इंप्रूव होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वैसे एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा वूम अप कर जाएगा, और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा वूम अप करेगा, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे आप HDI कहते हो वो इम्प्रूव होगा, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी, और एक तरीके से जो आपकी GDP है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी, कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा एक तरीके से सोर्स होंगे ताकि टैक्स को कलेक्ट किया जा सके, कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी शुड बेनिफिटेड, जो कॉमन पीपल है उनको फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से जो जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बहुत बड़े नेशन की, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके पास अच्छे लॉज नहीं है, थोड़ा सा क्राइम रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक तरीके से प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर के लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, और आप खुद से आजकल ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज है। ठीक है, जब पूरी पूरी कंट्री ग्लोबलाइज हो चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी कनेक्ट विद अदर कंट्रीज, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ता है। किसी चीज़ में इंडिया अच्छा है तो किसी में जापान अच्छा है, किसी में चाइना अच्छा है तो किसी में US अच्छा है, किसी में डेनमार्क अच्छा है तो किसी में स्विट्जरलैंड अच्छा है, तो हर कंट्री किसी ना किसी चीज़ में अच्छी होती है, तो सबसे हमें क्या करना, अपने फॉरेन रिलेशंस को इम्प्रूव करना पड़ता है। इसी वजह से क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब मैंने जो लिखा है एज इट इज़ मोस्ट ऑफ द वही है, थोड़ा सा वर्ड में चेंज हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द फ्रेमवर्क डेवलपमेंट बाय द क्लासिकल इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स इन द इकोनॉमी। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द सेवरल की एजम्पशंस। यहाँ पे कुछ ना कुछ की एजम्पशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के फ्रेमवर्क को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब है कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ख्याति रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं इकोनॉमिक के फील्ड में, उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर वो कोई मशवरा दे रहे हैं, वो कोई अपनी राय दे रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं इकोनॉमिक्स के पास काफ़ी ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि इनके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, जिनके पास ज़्यादा सोच समझ होती है कि कैसे इकोनॉमी को रन किया जा सकता है। तो आपको पता है कि हर कैबिनेट में ऐसे बहुत से अच्छे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है इन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स लॉस। अब क्या सेल्स लॉस क्या है, द लॉस सजेस्ट द सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। जो सप्लाई होती है वो खुद की डिमांड को क्रिएट करती है, यानी कि सप्लाई किस तरीके से की जाए ताकि डिमांड बढ़े, डिपेंड करता है कि आप सप्लाई क्या कर रहे हो, ये भी आपका फोकस करता है कि किस चीज़ का सप्लाई आप कर रहे हो वो फोकस करना चाहिए, और वो किस तरीके से अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकते हो वो डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट क्या सप्लाई किया जा रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी डीप जाके हमें समझनी है कि सप्लाई क्या किया, उसकी डिमांड किस तरीके से बढ़ सकती है। दूसरा आता है कि किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा मार्केट लेवल पर, तो वो भी एक तरीके से डिमांड के ऊपर होता है कि किस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट की अपनी एक एफिशिएंसी क्या है। नेक्स्ट आता है, इन अदर वर्ड द प्रोडक्ट ऑफ एन गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट इनफ इनकम फ्रॉम द इंडिविजुअल टू परचेज दोज गुड्स एंड सर्विसेज इंश्योरिंग दैट देर इज नो जनरल ओवर प्रोडक्शन और डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड। यानी कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर किसी भी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन होता है तो समटाइम लॉस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। अगर आप सही से किसी भी चीज़ को मार्केट की स्टडी करके कर रहे हो, यानी कि अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केट को आपने स्टडी किया है, आपको पता है कि इस चीज़ की फ्यूचर में डिमांड बढ़ सकती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी बूस्ट योर प्रोडक्शन। वो डिपेंड करता है किस तरीके से आपने मार्केट को स्टडी किया है और आपकी बिजनेस से रिलेटेड जानकारी कैसी है, नॉलेज कैसी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है, हमें समझना है। क्लासिकल थ्योरी अज्यूम एज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मनी एंड द प्राइस लेवल। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो मनी और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चीज़ 250 रुपये की बिक रही है, अचानक से उसका प्राइस अगर 500 रुपये कर दिया जाएगा तो डिमांड में कमी आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइसेस एंड द सप्लाई आर रिलेटेड टू इच अदर, इनके बीच में एक तरीके से गहरा संबंध पाया जाता है, एक अच्छा रिलेशन है। तो
एक में अगर प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा अपने आप ही इसमें कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। ये सारी सारी चीज़ें काफ़ी डीप में इंसिस्ट करने वाली हैं, समझने वाली हैं, थोड़ा दिमाग में बिठा कर सोचने वाली हैं, तो आप थोड़ा सब्र रखेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें सिखाने वाली हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, इट सजेस्ट दैट चेंजेस इन द मनी सप्लाई ओनली इफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल्स सच एज इन प्राइसेस विदाउट इंपैक्टिंग रियल वेरिएबल्स सच एज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि प्राइसेस में होने वाली वेरिएशन की वजह से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए आजकल क्या है कि इन्फ्लेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो रही। मोस्ट ऑफ द 90% केसेज में देखा जा रहा है महंगाई ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है, इनकम काफ़ी धीरे बढ़ रही है। तो इसकी वजह से लोगों के मन में क्या है, एक इनसिक्योरिटी है, अस्थिरता है, थोड़ा भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी की हम बात करें तो 4.3% इन्फ्लेशन है, कम है, ठीक है, काफ़ी कम है, बट और किस तरीके से कम किया जा सकता है और लोगों की इनकम को किस तरीके से बूस्ट करना है, ये भी सरकार का काम यहाँ पर होना चाहिए। तो सारी सारी चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल पर अगर समझेंगे, लाइव एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपका रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट आता है आपका फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेजेस की अगर हम बात करें। देखो फ्लेक्सिबल प्राइसेस क्या होते हैं, जैसे क्या डे बाय डे प्राइसेस क्या हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोलते हो कि इंक्रीज हो रहे हैं, रिड्यूस तो नहीं होते। पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे फूड कमोडिटीज़ हो, सबके प्राइस इंक्रीज हो। तो इन फ्लेक्सिबल जो प्राइसेस हैं इनको किस तरीके से मार्केट में जगह मिल रही है, मतलब आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है एवरीवन नोस, बट प्राइसेस क्यों इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ हो ही रहा है ना, तो प्राइसेस ऐसे क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण है वो हमें समझना होगा। समटाइम ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में ऐसा हो जाता है कि सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। समर सीज़न की अगर हम बात करें तो सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ जाते हैं, टमाटर काफ़ी महंगा हो जाता है, प्याज महंगी हो जाती है, बहुत सी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो सीजनल होती हैं, जो अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, जैसे दाल चावल चीनी की अगर हम बात करें तो इनके प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं। अगर 2010 से लेकर के 2023 तक का डेटा देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एक तरीके से इनकम को और इन्फ्लेशन को आपस में एक तरीके से कंपेयर करें तो क्या होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू द इन्फ्लेशन, इसी एज़ कम्पेयर टू द इनकम। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कॉमन पीपल जो हमारा मिडिल क्लास है के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो एक तरीके से मिडिल क्लास है वो इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वो चीज़ों को कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है। जैसे जैसे कंजम्पशन करता है वैसे हमारा इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होता है और आगे बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी थोड़ा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लेक्सिबल वेजेस की बात कर रहा हूँ। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट इन प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल, कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड जस्ट फ्रीली रिस्पॉन्स टू द चेंज ऑफ द सप्लाई इन द डिमांड, डिमांड और सप्लाई में लगातार चेंज आ जाएगा प्राइस में चेंज होगा। तो यानी कि कोई चीज़ 200 की मिल रही थी अचानक 250 की हो गई तो क्या होगा, डिमांड आपकी एकदम से कम हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। दे आर्ग्यू दैट मार्केट फोर्सेस विल लीड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विबिरियम इन द लॉन्ग रन विद डेविएशन दैट बीइंग टेंपरेरी, यानी क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के फुल साधन तो जनरेट करोगे ही करोगे बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे डिवीजन यानी कि देखने आपको मिलता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेबर डिमांड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल इंडिया का, सबसे हॉट टॉपिक यही है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रही है। सरकार ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देगी पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब सारी की सारी गलती सरकार की नहीं है, बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी लोगों को रोजगार देना आसान काम नहीं है, लेकिन सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ये सरकार का दायित्व है। पर इन सब चीज़ों को और समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो पहला कारण ये है कि तरीके से नौकरी करने के लिए लोगों पर स्किल्स भी नहीं है। आपको आता क्या है, व्हाट यू हैव टू बी डू, आप क्या कर सकते हो, जो आप तो स्किल्स की कमी है, उसकी वजह से भी सरकार सक्षम नहीं है कि सभी लोगों को रोजगार दे पाए। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब चीज़ों के थ्रू एक तरीके से अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा रहा है। चलो अब हम बात करते हैं अपने लेबर डिमांड की, लेबर डिमांड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, द perfectly competitive firm will increase its output until the marginal cost of producing until output is equal to the marginal revenue received from its sale, यानी कि MC equals to MR होगा, कब होगा, जब लेबर डिमांड की हम बात करेंगे employment को फुल जनरेट करने के लिए, तब आपको क्या होता है, MC equals to MR होता है, यानी कि फुल जन employment should be generated। नेक्स्ट आता है, इन द अदर वर्ड, इन द मेकिंग इट्स डिसीजन वेदर टू हायर एडिशनल लेबर
एज एन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉम्पिटेटिव, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही किसका काम होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काम है वो फर्म्स का होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का होता है, इवन गवर्नमेंट का भी समटाइम, जब किसी भी एक प्राइवेट फर्म के साथ जब उनका एक तरीके से कोलैबोरेशन हो जाता है, तब भी उनका भी काम यही हो जाता है। तो इंक्रीज द प्रोडक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एड द लेबर टू एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ हायरिंग एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि अपने बिजनेस को इस तरीके से इंप्रूव करना ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके इनकम को जनरेट करने का साधन दे सकते हो। फॉर देन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एम आई इक्वल्स टू पी के इक्वल होता है। इसे आप बोल सकते हो कि कॉम्पिटेटिव फॉर्म इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंड प्राइस, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे माफ करना मार्जिनल रेवेन्यू एंड नेक्स्ट आता है आप इक्वल टू द प्रोडक्ट प्राइसेस। तो इन सब की बात यहाँ पर हमने करी है। तो एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एन आउटपुट इज द मार्जिनल लेबर कॉस्ट, बीइंग लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर इनपुट देयरफॉर, यानी कि क्या है लेबर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा समटाइम है ये भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो काम कर रहे होते हैं हमारे जो लोग होते हैं वो कम स्किल्ड होते हैं, तो उनको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सकता है। तो उसके लिए सरकार सोचती है हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहना चाहिए ताकि एज अ लेबर ये काम करते रहो, इनकी दाल रोटी चलती रहे। तो मेरे को भी ठीक लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बूस्ट होगा तो लोगों की पर कैपिटल इनकम तो बढ़ती है, ऐसा रोजगार के प्रतिदिन साधन उपलब्ध हो जाते। तो आप बोल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल लेबर कॉस्ट, तरीके से एक बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे ये देखना है कि मार्जिनल लेबर कॉस्ट इक्वल द मनी वेजेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ए यूनिट ऑफ द आउटपुट एंड प्रोड्यूस बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, दस अ मार्जिनल कॉस्ट एम ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू द मनी वेजेस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट और द लेबर ऑफ द फॉर्म एम पी एल, एंड डब्ल्यू एम सी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम पी एल। एक सब एक तरीके से क्या डिवीजन ऑफ लेबर कास्टिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन फॉर द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम पी। ये थोड़ा सा ध्यान देना है हमें पीएल का, क्योंकि यहाँ पे आप किसी की बात करो कैलकुलेशन करोगे किस तरीके से आप डिवाइड करोगे किसी भी मार्जिनल प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ द लेबर, यानी कि एमपीएल के फॉर्म में। नेक्स्ट अल्टरनेटिवली वही आता है आपका पीएल इज इक्वल टू डब्ल्यू पी, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है ताकि सभी लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो वेयर डब्ल्यू और पी इज द रियल वेजेस माइनस करेंगे पेमेंट टू द लेबर मेजर इन द यूनिट ऑफ आउटपुट, तो रियल टर्म्स में आप उनको इनकम एक तरीके से उनकी देख सकते हैं कि रुपीज में कितनी हो रही है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई होप मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।